साइक्लोन अम्फान पश्चिम बंगाल के दीघा तट से टकरा चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अम्फान की वजह से कोलकाता और आसपास के इलाकों में 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान से पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में भारी नुकसान हुआ है। दोपहर 2:30 बजे के करीब ये तूफान दीघा के समुद्र तट से टकराया था, तब इसकी रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तूफान की वजह से ओडिशा के तटीय जिलों में भी जानमाल का नुकसान हुआ है। अभी जो तेज विंड चल रहा है, जैसे 155-165 और 185 किलोमीटर पर आवर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे साउथ और नॉर्थ ट्वेंटी परगना और ईस्ट मिदनापुर, ये लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट होने तक रात तक चलेगा। तूफान से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दो दो लोगों की मौत हुई है। कोलकाता में अम्फान तूफान को लेकर बनाए गए कंट्रोल रूम में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रही। तूफान को लेकर राहत और बचाव कामों पर प्रधानमंत्री मोदी नजर रख रहे हैं। अम्फान तूफान से जानमाल का नुकसान कम से कम हो, इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर लगातार कोशिश कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों को, जबकि ओडिशा में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात हैं और ओडिशा में एनडीआरएफ की 20 टीमों को तैनात किया गया है। दोनों राज्यों को मिलाते हुए कुल 41 टीमों का प्लेसमेंट है। दो ही टीम रिजर्व में है, वो बंगाल में है, और उनमें से एक टीम, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा जस्टिस मीटिंग में आने से पहले, कलकत्ता में डिप्लॉय हो रहा है। तो लगभग सभी टीमों का इस्तेमाल दोनों राज्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बसों के ऑफर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सवाल उठाए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बसों की राजनीति में कांग्रेस का पाखंड साफ साफ दिखता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर वो वास्तव में यूपी सरकार पर नजर रख रही हैं, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि यूपी में 300 ट्रेनें क्यों आईं, जबकि छत्तीसगढ़ में 5 से 7 ट्रेनें भी नहीं पहुंच पाईं। मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि प्रवासी मजदूर भी भारतीय हैं और इस आपात स्थिति में हम सभी को साथ मिलकर काम करने पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बसों को अनुमति न देने का आरोप लगाया है। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं इनपे, अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं, तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है, तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। प्रियंका गांधी ने मजदूरों को ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 1000 बसों का ऑफर दिया था, लेकिन सरकार को दी गई बसों की लिस्ट में कई ऑटो, एम्बुलेंस और बाइक के नंबर भी दिए थे। प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की भिजवाई बसों को उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार के इनकार के बाद राजस्थान यूपी बॉर्डर से बसों का वापस लौटना शुरू हो गया है। कोई किसी का रुख बाद की बात है, ये रुख रुख का तो कोई सवाल ही नहीं है, इसमें क्या रुख रहेगा। हमने हमारी बात कह दी और वो जो उनको पाप करना था यूपी सरकार ने कर दिया। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर मजदूरों से क्रूर मजाक का आरोप लगाया है। ऐसे टाइम में आप सरकार का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, गलत सलत सूची दे रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। जाहिर है अगर आप बॉर्डर पे ऐसे बसेस वगैरह खड़े, तो आप लोगों को क्या इसमें राजनीतिकरण की महक नहीं आ रही है? मुझे तो आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बसों को अनुमति न देने के खिलाफ आगरा में प्रदर्शन किया। इस मामले में यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कुछ और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा। देश में 25 मई से फिर घरेलू हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने करीब 2 महीने बाद घरेलू हवाई सेवा शुरू करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा कि घरेलू उड़ानों का परिचालन 25 मई से फिर शुरू किया जाएगा। सभी हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों को 25 मई से परिचालन के लिए तैयार रहने को सूचित किया गया है। लॉकडाउन के बाद 25 मार्च से देश भर में हवाई सेवाओं को बंद कर दिया गया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा कब शुरू होगी, इसे लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई। ईद की नमाज के लिए यूपी की मस्जिदों और ईदगाहों को 1 घंटे खोले जाने की मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि पहले इस मामले में राज्य सरकार के सामने अनुरोध किया जाए। राज्य सरकार का अनुरोध खारिज होने या फिर अर्जी पेंडिंग होने पर ही हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि बिना सरकार को अर्जी दिए सीधे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है। गृह मंत्रालय ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए लॉकडाउन के नियमों में छूट दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है कि बड़ी संख्या में छात्रों के शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी अपनाने, फेस मास्क पहनने जैसी शर्तों के साथ कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए लॉकडाउन के नियमों में छूट देने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान परीक्षा कराए जाने को लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके मुताबिक परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर परीक्षा होगी। किसी भी कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र नहीं होगा। परीक्षा केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी होगी। परीक्षा केंद्रों में मौजूद छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल बसों को चलाया जा सकता है। देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,711 नए केस आए। देश में कोरोना के मरीज बढ़कर 106,750 हो गए हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,303 लोगों की मौत हुई है, जबकि 42,298 लोग इलाज से ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमित मरीजों के ठीक होने की रफ्तार में तेजी आई है। रिकवरी रेट बढ़कर करीब 40% हो गया है और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक सरकार का फोकस कोरोना संक्रमण से बचाव पर है। कोविड 19 के तहत जो हमारे एफर्ट रहे हैं वह उसका एक मेजर फोकस रहा है कि टॉप लेवल से मॉनिटरिंग करते हुए साथ ही एक ग्रेडेड रेस्पॉन्स हो, एक प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव अप्रोच के तहत हम लोग एडवांस प्लानिंग के तहत काम करते रहे, यह हमारा फोकस रहा है। देश में प्रति 1,00,000 आबादी पर 0.2 लोगों की मौत हुई है, जबकि हर 1,00,000 जनसंख्या पर करीब 8 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। श्रीनगर में आज आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए। गांदरबल और पंदाच इलाके में बाइक सवार आतंकियों ने ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ के 2 जवानों पर फायरिंग कर दी। आतंकी हमले में एक जवान ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। हमले के बाद आतंकी जवानों के हथियार लेकर भाग गए। दोनों का वेपन स्नेचिंग हो गया। हम लोग कॉर्डन लगा लिए हैं और इसको ट्रैक डाउन कर रहे हैं, इसको जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। कश्मीर में आतंकी बड़ी घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने कहा है कि एलओसी के करीब पीओके लॉन्च पैड से 300 आतंकी घुसपैठ के लिए ताक लगाए बैठे हैं। इस बीच पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। पाकिस्तान ने आज पुंछ के केरनी और देगवार सेक्टर में गोलीबारी की। सीमा पार से पाकिस्तान ने भारी मोर्टार भी दागे। पाकिस्तान की फायरिंग का सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पिछले का नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।